आप सबकी प्यारी प्रिया, आप सभी का स्वागत है प्रिया होम किचन में। आप सभी को माँ शिवरात्रि की शुभकामनाएं। आज मैं आप सबके लिए लाई हूँ उपवास का साबूदाना डोसा। हमने साबूदाने की खिचड़ी बहुत खाई है, तो क्यों ना आज हम ट्राई करें साबूदाना डोसा। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। मैंने एक वाटी साबूदाना लिया था, जो मैंने इसे 2 घंटा भिगाया था, ऐसे एकदम होना चाहिए। अब हम इसे मिक्सर जार में डालेंगे। और ये मैंने लिया था साव, इसे भगर भी बोलते हैं, जो मैंने हाफ वाटी लिया था, जो इसे मैंने भिगाया था आधे घंटे के लिए, जो अच्छे से फूट जाए। अब हम इसमें ऐड करेंगे साबूदाने के साथ, हम इसे पीसेंगे। और इसमें मैं लूंगी आधा वाटी दही, ये खट्टा वाला नहीं है। अब हम इसे पीसेंगे। अब ये हमारा हो चुका है पीस के। मैंने इसमें थोड़ा सा पानी भी डाला है, 4 चम्मच मैंने पानी डाला इसमें। अब हम इसे एक बाउल में निकालेंगे। स्वाद अनुसार सॉल्ट, अच्छे से मिक्स करेंगे और इसको 20 मिनट हम इसे ढक के रखेंगे। नमक डाल के बनाएंगे बटाटा की सूखी भाजी, उपवास की भाजी, जो हम डोसे के साथ खाएंगे। गैस ऑन करेंगे, इसमें हम ऑयल डालेंगे। कर देंगे, हम डालेंगे इसमें अदरक मिर्ची पेस्ट, करी पत्ता, और डालेंगे जीरा 1 टेबलस्पून। अच्छे से इसको करेंगे रोस्ट ऑयल में। जैसे हमारा ये जीरा हो जाएगा, हम इसमें डालेंगे, मैंने यहाँ पे 3 बटाटा लिया है बॉईल किया हुआ, जो मैंने इसको ऐसे अच्छे से चॉप किया है बारीक। अब हम इसमें ऐड करेंगे, हम डालेंगे स्वाद अनुसार नमक। अब हम ऐड करेंगे सिंगदाने का सूप, जो मैंने रोस्ट करके इसे पीस लिया था, जो हम डालेंगे 2 चम्मच। इसमें डालेंगे थोड़ा कोथमीर बारीक चॉप किया हुआ, और थोड़ा सा मैं इसमें लेमन जूस डालूंगी। अभी ये हमारा हो चुका है, हम गैस बंद करेंगे। अब हम डोसे का तवा रखेंगे, गैस चालू करेंगे। जैसे हमारा ये गरम होगा, हम उसमें डालेंगे ऑयल। अब हमारा तवा गरम हो चुका है, हम उसमें डालेंगे ऑयल, इसको अच्छे से स्प्रेड करेंगे। गैस की आंच हम स्लो कर देंगे और अब हम इसमें डालेंगे साबूदाने का बैटर। आपको जितना बड़ा चाहिए छोटा चाहिए आप बना सकते हो। अब इसको हम ऐसे को पकने देंगे। हमारा एक साइड हो चुका है, देखो कितने अच्छे से हो रहा है। अब इसके ऊपर हम थोड़ा सा ऑयल लगाएंगे, आप चाहो तो घी भी लगा सकते हो। और इसको वापस हम 2 मिनट के लिए ऐसे पकने देंगे। देखो कितने अच्छे
से हो रहा है। अब ये हमारा हो चुका है, अब हम इसे प्लेट में ले लेंगे, ऑयल डालेंगे, इसको अच्छे से स्प्रेड करेंगे। मैं आपको और एक दिखाती हूँ। पीस जो हमें इसे ढक के रखेंगे 3 मिनट के लिए। हम थोड़ा सा ऑयल डालेंगे, थोड़ा मुझे क्रिस्पी बनाना है तो मैं और रखती हूँ 2 मिनट। अभी हमारा हो चुका है परफेक्ट, अब हम इसे सर्व करें। हो चुका है साबूदाना डोसा, जो बहुत अच्छा लगता है। आप इसे खोपरे की चटनी के साथ, ग्रीन चटनी के साथ भी खा सकते हो। बहुत सब मांग मांग के खाएंगे, इतना अच्छा लगता है ये। ओके गाइस, मैं आपसे फिर मिलती हूँ नई रेसिपी के साथ। ओके गाइस, बाय।